हूँ आपके साथ प्रतीक्षा और मैं पहले नजर डालते हैं जिले से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। हरदोई के ब्लॉक कोथावा के ग्राम सभा बरसरा में बेधड़क बेची जा रही हैं मुर्गियां। आपको बता दें लोगों के ऊपर लॉकडाउन का कोई असर नहीं दिख रहा है और ना ही ये लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। जब हमारे संवाददाता ने मुर्गी खरीदने वाले युवक से बात की तो जानिए उनका क्या कहना है। देखिए पूरी रिपोर्ट हमारे संवाददाता शुभम तिवारी के साथ। तो मुर्गा खरीदने आए थे यहाँ, मुर्गा खरीदने कितने का खरीदे हैं? ₹330 किलो के हिसाब से या मुर्गे के हिसाब से? लॉकडाउन का मतलब समझते हैं आप? क्या समझते हैं बताएं आप, लॉकडाउन का मतलब समझते हैं आप? आपको ये मालूम है कि मानसा से दिक्कतें आ रही हैं, कुछ जानकारी है आपको? कुछ दिन के लिए अगर आप मानसा ना खाएं तो आप जिंदा नहीं रहेंगे क्या? फिर जैसे कि सरकार कह रही है कि बाहर ना निकलो, मांसा मत खाओ, फिर आप लोग क्यों इस पे जो है प्रतिबंध नहीं लगा पा रहे? पालने वाले माना कि इन्होंने पाला था, उसके बाद बच्चा बड़ा हो गया, इसको मार नहीं सकते हैं लेकिन आप खा नहीं सकते, ये आपका अधिकार बनता है। क्या नाम है तुम्हारा? और ये जो मुर्गी फार्म किए हैं इनका क्या नाम है? इनका नाम नहीं मालूम है। बिलावलपुर या जलावलपुर है भैया? बिलावलपुर। बिलावलपुर। तो ये मुर्गे बेफिक्र आप बेच रहे हैं, कोई सरकार अंकुश नहीं लगा पा रही है आप लोगों? नहीं, अंकुश हटा हूँ। हाँ अब तो भैया छूट लगी ना? लगी कब से लगी है? मुझे मालूम है भैया। नहीं 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 मुझे नहीं मालूम है, आप बताइए कब से लगी है। तो एक बात बताओ भैया हमका। जी भैया, ये बच्चा आ रहा है? जी जी। दाना आ रहा है? हाँ। कैसे आ रहा है? नहीं दाना आ रहा है, आप बच्चे पाल रहे हैं लेकिन बेचने वाला बात बताइए हमें कब से चालू? तो बेचने कटे कटे पर रोक है भैया? बेचने पे कोई रोक नहीं है। तो ये भैया बच्चा कहाँ है बताओ पहले हम बाप। मैं मानता हूँ बच्चा क्या होगा, ये आपने सरकार से कही है, मुझे क्या बताना सरकार से कहा है भैया? तो सरकार चंडीगढ़ में हर जगह सब मुर्गा कट रहा बिक रहा है, यहाँ तो खड़ा मुर्गा बिक रहा है भैया। चलो ठीक है, बात मैं मुर्गे की नहीं करता हूँ, बात ये कर लेता हूँ कि जब हमने यहाँ पे आ करके देखा तो किस तरीके से भीड़ लगी थी वो हमारे पास रिकॉर्डिंग है। ठीक है ये बताइए हमें, ये जो कोरोना के एक बात हमें ये बताइए, जो कोरोना के खिलाफ इतना बड़ा महामारी चल रहा है, ठीक है, और आप बढ़िया तरीके से भीड़ लगवा रहे हैं, या कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है? जब तुमका हम बता चुके हैं भैया, तुमका पूरी व्यवस्था दिखा रहे हैं, देख लो। हाँ, ये तो हमारे सामने बांधे हैं। दाना भैया हुआ है, सुनो तो बात। जी जी जी, दाना कब आया था? दाना सुबह हुआ है, अभी कल बता रहे थे। नहीं नहीं, सुबह अभी। चलो ठीक है, सुबह दाना आया। फिर हमने क्या देखा कि आप बढ़िया तरीके से भीड़ लगाए हैं, कोई असर नहीं दिख रहा। दाना भरा जा रहा था, ठीक दाना भरा था, कोई दाना तो सब भर रहे थे ना। अच्छा ये बताइए, जैसे कि सरकार कहती है आप कुछ दूर कुछ 1-2 मीटर की दूरी बनाए रखें, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? दूरी बिल्कुल बनाई गई। फिर आप लोगों को क्यों नहीं बता रहे थे एक पास में इकट्ठा किए थे? बता रहे थे, दाना भरा जा रहा है अंदर भैया। नहीं दाना भरा जा रहा था, मैं मान रहा था कि दाना भरा जा रहा था, लेकिन आप उनको ये बता सकते थे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। हम खुद लगाते हैं, वो देखो मास्क रखा है। नहीं नहीं, खाली खनाई करके आए थे भी। हाँ, वहाँ पे दाना पानी किया जा रहा, मतलब जब हम आ गए हमने आपको देख लिया तब ऐसा हो रहा है कि हम खनाई करके आ गए, इसके पहले अगर हम आ ही गए थे तो आप ये कहे होते भैया कहाँ से आए हैं, क्या आए हैं, और ये जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, आप लोग दूरी बनाए रखें। मुझे भी लगता हाँ मेरे भाई या हमारे सरकार का पालन किया जा रहा है। बिल्कुल भैया पालन पूरा किया भैया, जब मुझे देख नहीं पाया था, पीछे से आदमी आ गए भैया, वहाँ पे हम दाना भर रहे थे ना। अच्छा तो आप बराबर ऐसे ही मुर्गा बेचते हैं? कोई नहीं नहीं, मुर्गा बिक रहा है, नहीं लगा पा रहा, मुर्गा बिक रहा है, मैंने तो देखा कई लोग ले गए हैं। नहीं भैया मैंने तो देखा नहीं, कौन लेगा मुर्गा? मैंने बात कर ली है। अरे वो तो पीछे तुरंत भैया बच्चा लाने के पीछे, मैंने बात कर ली है, हमारे पास है, हमारे पास है उसकी पूरी रिकॉर्डिंग है, इसलिए मैंने उसको जाने नहीं दिया था, मैंने रोका था, हो सकता है कि आपने सोचा हो या देखा हो, कुछ नहीं देखा लेकिन मैंने वो कर लिया था। ठीक है तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? इसके बारे में कहेंगे भैया दूरी बना के रखिए। जी जी, और 2 मीटर दूरी रखेगी और यह काम नहीं होगा भैया। अच्छा मुर्गा बेचना बंद करेंगे या नहीं बंद करेंगे? नहीं तो मुर्गा बेचना बंद है, मुर्गा रहेगा कहाँ? मुर्गा बिक बिक बंद कहाँ? नहीं मुझे तो इसमें अभी काफी ये तो भैया गाड़ी उठ जाएगी, यहाँ कहाँ बिक पाएगा मुर्गा? नहीं यहाँ तो बराबर आ रहे हैं लोग, हमने एक नहीं 2-4 देखे हैं। अरे भाई यहाँ तो 10-12 दिन घर के भैया खड़े थे, कौन तुम किसको देखा है? अच्छा वो यहाँ 10-12 दिन घर के हमारे हैं भैया। अच्छा अच्छा हाँ।
जो सब घर भर खड़े थे भैया घर के घर को बाहरी को होता है। अच्छा अच्छा, ये मुर्गा मतलब जो है जो लेके गए हैं वो भी अपने घर के थे? नहीं तो एक आदमी रहा है भैया, दूसरा कौन था? खैर ठीक है ठीक है ठीक है। तो खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, मिलते हैं नई खबरों के साथ, तब तक के लिए आप बने रहिए इंडिया 24 जो सवा लाइव टीवी।